वहाँ जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीन प्राणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध प्राणामिक भाव है, ये तो सरल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहते हैं। बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहते हैं। अब देखा ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो कहा जाता है वो, माने वो वस्तु का स्वभाव वस्तु में ऐसा है, उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय पकड़ता है। अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भी ये पूरा नाम उसका है परम प्राणामिक भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी तीन प्रकार के हैं ना, और ये चौथा है, एक कर्मोपाधि निरपेक्ष है, एक भेद कल्पना निरपेक्ष है, और एक वहाँ उत्पाद उपाधि कर्मोपाधि निरपेक्ष है, और वो भेद कल्पना निरपेक्ष है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ऐसे तीन हैं शुद्ध नय, और वो परम भावग्राही शुद्ध पारिणामिक जो नय द्रव्यार्थिक नय है वो उसकी बात है जी। तो वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंद मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है तथा उसका नाम शुद्ध पारिणामिक भाव है ऐसा जानना चाहिए, तथा दस प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि ये पर्यार्थिक नय के आश्रय हैं। अब देखो भव्यत्व अभव्यत्व लिए ही हो, जीव के भी दो भेद कर दिए, एक व्यवहार जीवत्व और एक निश्चय जीवत्व। तो व्यवहार जीवत्व क्या, जो दस प्राणों से जिए, और जो चेतना प्राण से जिए वो निश्चय, तो चेतना प्राण वाला लेना, क्योंकि दस प्राण वाली बात लेते ही तो ये सब तीन प्रकार की काय और पांच इंद्रियां और आयु और स्वास्थ्य उस बात आ जाएंगे, ये तो सब पुद्गल का खेल है ना, उसे तो व्यवहार से जीव कहते हैं। ये निश्चय जीव वाला है, माने वो जो परम प्राणामिक भाव है त्रिपन भावों में, वो एक भाव, वो उस भाव रूप में हूँ। वैसे तत्वा सूत्र में तो इन सभी भावों को जीव के स्वतत्व कहा है, कि जीव के स्व में शामिल हैं, जीव के लिए स्वतत्व हैं, लिखा ना मूल मूल सूत्र में ये बात है। लेकिन वहाँ पर त्रिपन भावों में से एक भाव को पकड़ा और उसका नाम था जीवत्व, और जीवत्व में भी दो टुकड़े किए, एक निश्चय जीवत्व एक व्यवहार जीवत्व, तो व्यवहार जीवत्व को भी उस 52 में साढ़े 52 हो गए समझ लो हैं। अब वो जो अकेला निश्चय जीवत्व है वो परम पारिणामिक भाव है और उसके आश्रय से मुक्ति, मुक्ति का कारण वो है, समझेंगे चारत्राणी मोक्ष मार्ग। तो कहते वो जो भाव है उसमें अपनापन मान्य रूप सम्यक दर्शन, उसको निज रूप जान्य रूप सम्यक ज्ञान, और उसमें एक क्या नाम उसमें रमने रूप सम्यक चारित्र होने से इसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। असली एक होता का असली कारण क्या है, इसकी तलाश करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको मोक्ष में जाना है ना, हमें मोक्ष में जाना है तो हमको वो चीज़ चाहिए कि जिससे हमें मोक्ष में जाएंगे। अब जरा तो गंभीरता से बचा कर हम दोनों ही को मान लेते हैं अभी थोड़ी देर को, तो ये तो है और उसे तो होना है, तो हम काय के आश्रय से उन्हें प्राप्त करेंगे, वो तो होना है कौन क्या, तो इसका मतलब कारण हमारे पास मौजूद ही नहीं है, है? मोक्ष मार्ग हमारे पास मौजूद नहीं है मिथ्या दृष्टि के पास, है ना, और त्रिकाली ध्रुव तो मौजूद है ना, तो वो कहते हैं उसे कारण समय सार, एक कार्य कारण समय सार है, तो वो कारण समय सार कारण मोक्ष मार्ग, यानी इसके आश्रय से सब कुछ काम होने वाला है। तो पहले इसका निर्णय होना सही है कि ये क्या चीज है, और बस इसमें
अपनापन उसका नाम सम्मान दर्शन है। इसमें ये मैं हूँ ऐसा जानने रूप भाव इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और इसमें उपयोग की एकाग्रता होना इसका नाम सम्यक चरित्र है। अब इसमें का पता होए तो किसमें, यदि इसको नहीं पहचाना सही रूप में और इसके नाम पर किसी अन्य चीज में हमने अपनापन कर लिया तो उसका नाम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चरित्र है। बस यही अनादिकाल से हो रहा है। तो सबसे मुख्य बात क्या रह गई, सबसे पहला और सबसे अंतिम काम, पहला काम भी और अंतिम काम भी और मध्य का काम भी क्या है कि उस भाव को पहचानना। कौन सा भाव, जो परम पारिणामिक भाव है, शुद्ध दिव्यार्थिक नय का विषय भूत परम पारिणामिक भाव है, उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि वो असली कारण है, वो आश्रय भूत कारण है। क्या माने, उसके आश्रय से सारा काम होगा, वो कुछ करने वाला नहीं है। वो कौन, वो क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं है, वो तू ही है, वो ही तू है और कुछ तू नहीं है, वो ही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं, है ना। तो देखो यहां शुद्ध जीवत्व भव्यत्व जीवतत्व जीवत्व भव्यत्व, इन तीन पारिणामिक भावों से शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह शुद्ध दिव्यार्थक नय के आश्रित होने से निरावरण है और बंध मोक्ष पर्याय रूप परिणति से रहित है। क्योंकि वो तो अभी वो तो मोक्ष बंध पर्याय तो अभी है ना, लेकिन वो उनसे रहित है क्योंकि हमें अपनापन उसमें स्थापित करना है। अब उसके साथ थोड़ी बंध पर्याय या मोक्ष पर्याय के साथ दो में से एक तो होगी, इसे शामिल करके देखा तो काम खत्म है ना। और उसका नाम शुद्ध पारिणामिक भाव है। ऐसा जानना चाहिए कि दस प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व इन्हें अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं क्योंकि ये पर्यार्थिक नय के आश्रित हैं। अब प्रश्न, ये तीनों भाव अशुद्ध क्यों हैं, अब इसकी चर्चा कल चलेगी, आज का प्रकरण हो गया। समय सार परमागम की 319वीं और 320वीं गाथा के बाद जो आचार्य जयसेन की टीका में किंच विशेषा लिखकर जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु दी है उसकी चर्चा चल रही है। समय सार का पेज नंबर है 455। सबसे नीचे के पेज के दो पैरा हैं कि अब यह विचारते हैं कि औप समकादि पांच भावों में से मोक्ष किस भाव से होता है। उक्त पांचों भावों में औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायिक भाव और औदेक भाव, ये चार भाव तो पर्याय रूप हैं और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय में है। इस पे अपन ने थोड़ी चर्चा की थी परसों। जो वस्तु है जिसे हम पदार्थ कहते हैं वो द्रव्य पर्याय में है। जब हम द्रव्य की परिभाषा करते हैं तो उसे गुण पर्याय व द्रव्यम बोलते हैं, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम बोलते हैं। तो उस वक्त द्रव्य तो हो जाता है लक्ष्य और गुण पर्याय में हो जाता है लक्षण। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो वस्तु मान पदार्थ वो द्रव्य पर्याय में है अथवा द्रव्य गुण पर्याय में है। जैसे ही प्रवचन सार की 93वीं गाथा की बात की थी कल परसों के अथो खलु दब्य मयो दब्बाणी गुण पयज्य भंडानी, तो ये यहाँ पर कहा है कि पदार्थ परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय मय है। तो ये जो पदार्थ की बात कही द्रव्य पर्याय मय,
अब उस द्रव्य वो पर्याय दो चीजें हुई ना, तो जीव नामक एक पदार्थ है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में ग्रंथ का नाम ही भाग्य से तत्वार्थ सूत्र है, तत्व सूत्र नहीं है और अर्थ सूत्र नहीं है, तत्वार्थ शब्द है। और उस पर खूब विचार किया है, मीमांसा की है कि तत्व शब्द क्यों डाला, अर्थ क्यों डाला, दोनों में से एक रख देते। और बाद में फिर जब बात की गिनाए तो सात तत्व गिनाए, जीवा जीवाश्रव बंधन निद्रा मोक्षास तत्वम, तत्वार्थ हम नहीं लिखा। तो फिर हमारे दिमाग में वो तत्वार्थ शब्द गायब ही हो जाता है, जबकि वास्तव में वो तत्वार्थ के ही अर्थ में वहाँ वो बात कर रहे हैं। भले ही वो तत्व कहें अकेला, जैसे हमको भी आधा नाम लेने की आदत होती है, सुरेश कुमार को सुरेश, रमेश कुमार को रमेश, ऐसा बोलने की आदत होती है ना, ऐसा समझ लो आप। तत्वार्थ के लिए वो अकेला तत्व कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो भी वर्णन चल रहा है वो सब तत्वार्थ की दृष्टि से ही चल रहा है। अब वो कहते हैं कि पहले हमने जीव तत्वार्थ पकड़ा, तो जीव तत्वार्थ के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में जो 53 भाव बताए हैं, और इन 53 में मुख्य रूप से पांच और पांच के फिर भेद हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, पारिणामिक और क्षायिक। ये जो पांच भाव हैं, इसमें क्षयोपशम भाव के संदर्भ में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। वस्तुतः बात उसमें ऐसी है कि तीन चीज़ें हैं, एक क्षय, एक उपशम और एक उदय। सर्वज्ञात घाती प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय है, और उन्हीं के आगामी निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम है, और देश घाती प्रकृति का उदय है। तब वास्तव में गहराई में जाके देखें तो इसमें असली तो उदय ही है, क्योंकि क्षय के साथ में ये लगा है सर्वघातियों का उदयाभावी क्षय। अब ये इसका मतलब उदयाभावी माने क्या, कि उदय के अभाव रूप क्षय। क्षय तो उसका नाम है जो सत्ता से नाश हो, तो सत्ता से नाश तो है नहीं, सत्ता में तो वो पड़े ही हुए हैं। अब जब वो उदय आती है तो उस वक्त उदय का अभाव है। जो अनंतानबंदी प्रकृतियाँ हैं वे अप्रत्याख्यान रूप बन के उदय में आ जाती हैं, अनंतान रूप जल्दी उदय में नहीं आती हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो उदय का अभाव रूप क्षय असली क्षय नहीं है, क्योंकि सत्ता में अभी मौजूद है। और आगामी निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम, जो उस कर्म के परमाणु जो का जो समुदाय है, जो निषेक बोलते हैं, वो निषेक जो उदय में आने वाले थे वे वहीं खड़े रह गए। कैसे खड़े रह गए, कि जैसे अभी अपने युद्धों में वो कर देते हैं युद्ध विराम। युद्ध विराम का मतलब क्या होता है कि जहाँ जो सेना आ गई वहीं रुक जाए वो। अभी ये झगड़ा नहीं निपटता है कि ये हिंदुस्तान की सीमा है कि पाकिस्तान की है। यदि हम 50 मीटर अंदर घुस गए तो फिर हम वहीं रुक जाएं, और बे घुसाए तो वहीं। अब ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन कम से कम आगे नहीं बढ़ो, सद अवस्था में उसी रूप में। जैसे दो बच्चे लड़ते हों और वो जो भी कर रहे हों, लेकिन एकदम कोई बुजुर्ग आ जाएँ, माँ बाप आ जाएँ, गुरु आ जाएँ, और वो एकदम आवाज़ लगाएँ, तो दो एकदम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, माने आगे आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन वो जो स्थिति होती है ये काश्मीर जैसी 50-50 साल तक नहीं चलती, नहीं चलनी चाहिए। अपने धर्म के हिसाब से तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त चलती है, अंतर्मुहूर्त के बाद में तो कुछ ना कुछ उदय आ जाएगा, क्षय हो जाएगा, जो भी होगा क्षय उपशम हो जाएगा, जो भी होगा। लेकिन वो उपशम उपशम भाव की बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसी परिस्थिति है, तो असली क्षय भी नहीं है और असली उपशम भी नहीं है, लेकिन उसका नाम भाग्य से क्षयोपशम है,
इसमें छह शब्द और उस उपसम शब्द दो शब्द मिले हुए हैं और उसका दूसरा नाम मिश्र भी रख दिया। मैंने दो चीजों की मिली हुई चीज है, ऐसा अर्थ हुआ ना। तो अब छय और उपसम अब दो ही नहीं है, और वो नाम है और उदय है, उसका वहां पर उड़ाई दिया है। लेकिन वही जो वेदक सम्यक्त होता है ना, छय उपसम सम्यक्त में एक चीज वेदक सम्यक्त भी होती है ना, तो उस वक्त वो उदय को मुख्य बनाया कि उदय का वो वेदन कर रहा है, ऐसा वेदक वो वेद आत्मा का वेदन नहीं कर रहा है। जो वेदक बोलते हैं ना, माने वो जो देशघाती प्रकृति का उदय है उसका वेदन कर रहा है, इसलिए वेदक बोलते हैं। तो वास्तव में तो तीन चीजों का मिक्सचर है। तो जो अपने अमृत चंद्राचार्य ने छह उपसम की व्याख्या दी, उपसम की व्याख्या दी, तो वो उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि वो वहीं दबा, उन्होंने ऐसा भेद ज़्यादा नहीं डाला है कि उनका उदय विद्यमान। तीन चीज़ों के मिक्सचर का नाम है। ये तो कर्म की तरफ से बात है। तो आत्मा में एक जो भाव है ना, अब वो क्या है कि उपसम भाव तो धर्म रूप ही होता है, सम्य दृष्टि को ही होता है, समर्थन होगा पहले तब, और छायक भाव भी धर्म रूप होता है। और एक भाव का तो कोई सवाल ही नहीं धर्म अधर्म होने का, धर्म तो हो ही नहीं सकता वो। अब रहा छयोपसम, तो ये ज्ञानी को भी होता और अज्ञानी को भी होता, तो धर्म भी होता और अधर्म भी होता। ज्ञान भी तीन प्रकार का ज्ञान भी छय, चार प्रकार का ज्ञान भी छयोपसम है और तीन प्रकार का अज्ञान भी छयोपसम है। छयोपसम भाव में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं करके दोनों ही होते हैं। तो वास्तव में तो दोनों एक तरह से ज्ञान और अज्ञान का मिक्सचर जैसा हो गया। तो मतलब मिथ्या दृष्टि को भी छयोपसम भाव होता है, एक इंद्रिय वाले को भी होता है छयोपसम, समझे ना। उपसम तो सैनी पंचेंद्रीय धर्म वाला होगा, सम्यक दृष्टि होगा उसको ही होगा, छायक भी उसके बाद ही होगा। लेकिन छयोपसम भाव तो अनादि से है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक रहने वाला है, पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक रहता है। खैर अब इनके डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी तो ये कह रहे चार प्रकार के जो भाव हैं ये तो पर्याय रूप हैं, प्रकट रूप हैं। कोई भले ही अनादि के हों और भले ही अभव्य के लिए वैदिक भाव अनंत काल तक रहेगा, लेकिन वो नए नए पैदा होते हैं और पुराने नष्ट होते हैं। लेकिन एक जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप भाव है, और वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्याय रूप है। वहाँ से व्याख्या में कर रहा हूँ, द्रव्य वस्तु है द्रव्य पर्याय रूप। अब उसमें ये चार भाव तो हो गए पर्याय रूप, और एक भाव है वो द्रव्य रूप है ना। अभी उस सारा जगत तो उस द्रव्य रूप भाव को जानता ही नहीं है, सब शास्त्रों में वर्णन है, लिखा है, सब बात है, उसका कोई इनको महत्व ही नहीं है। जैसे सब बात करेंगे तो छय उपसम की ही करेंगे। गुरुदेव के प्रताप से वो पारिणामिक भाव अपन लोगों के ख्याल में ज़्यादा आया, समझे ना। अब वो क्या है, वो कारण है, अपन ऐसे कहते हैं ना कि हमारे मुक्ति का कारण है। अब उसके आश्रय से ये सम्मान ज्ञान चाहते प्रकट होते हैं, इसलिए उसको यहाँ कारण कहा। अभी यहाँ उसकी विचार कर रहे हैं वो कि वे कारण हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये कारण मोक्ष मार्ग कैसे बोलते हैं। कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा यदि वो मोक्ष का कारण रूप हो, मोक्ष मार्ग हो, तो वो तो अनादि से है। देखो अब ये मोक्षों को खास समझने का है, अपन बहुत जोर दे दे के ये बात कहते हैं बार बार कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही कारण है। वो कारण तो ऐसा है कि उससे में हम अपनापन करें, असली कारण तो वो उसमें अपनापन जो किया वो है, उसे जो निज रूप जाना वो है, उसका जो हमने ध्यान किया वो है। क्योंकि अभी तक नहीं था और अब है, मोक्ष मार्ग तो नया प्रकट होता है ना, उपाय तो वो है। यदि ये उपाय था, ये मोक्ष मार्ग, उपाय माने मोक्ष मार्ग, तो ये तो अनादि का निगोदिया के भी है।
तो मोक्ष हो जाना चाहिए था, यहाँ इस तरह की बात की है। अभी अभी आएंगे, लेकिन फिर वो महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि ये जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो उसके आश्रय से, उसके आश्रय माने क्या कि उसमें अपनापन, अपना जानना और उसका ध्यान करना, इसके दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि जब उसका उसमें ही अपनापन करना है, उसे ही जानना है और उसको ही ध्यान करना है, तो अब उसको जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका ही हो गया ना। तो वो एक आश्रयभूत कारण है, उसे नहीं जाना आज तक है अनादि से, बस इतनी सी भूल है कि उसे नहीं जाना और उसमें हमने अपनापन नहीं किया। अब मैं तो वो था, वो मैं था, अब मैंने उसे मैं नहीं जाना, तो और जो कुछ मैं भी हमने मैं किया, क्योंकि मैं तो श्रद्धा गुण किसी ना किसी में अपनापन धारण करे ही करे, ज्ञान गुण भी किसी को अपना स्वपर भेद विज्ञान करे ही करे, ये मैं हूँ, मिथ्या दृष्टि नहीं करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये स्त्री पुत्र मेरे हैं, वही शरीर मैं हूँ, ऐसा वो भी तो करता है ना किसी में मैं, और फिर बाकी के लिए मैं नहीं हूँ, ये मकान मेरा है, बगल वाला मेरा नहीं है, तो स्वपर भेद विज्ञान तो मिथ्या दृष्टि भी करता है ना, लेकिन वो सही नहीं हुआ ना, जो स्वा था उसने जाना नहीं, और पर में से ही किसी को स्वा और किसी को पर मान लिया। अपन देखते हैं ना कि बच्चों के साथ खेलते हैं तो ऐसी उंगलियां ऐसी पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं बीच की सबसे बड़ी उंगली कौन सी है तुम पकड़ के बताओ, उन बच्चों को बोलते हैं। और फिर अपन बहुत होशियारी करते हैं, जो बड़ी वाली उंगली छोटी दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटी को बड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भी यदि पांच में वो हो गए तो कोई ना कोई तो बच्चा कभी ना कभी तो पहचान ही लेता है ना। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गए ना, तो इनमें से बीच की तो गायब कर देते हैं, इनमें से कोई एक आध मिला देते हैं, और फिर ऐसा करके ऐसे पांच दिखाते हैं और उससे कहते हैं तुम बीच की उंगली पकड़, क्या ख्याल है ना? अब तो किसी को भी पकड़ेगा वो तो गलत निकलने वाली है ना, ख्याल है ना? बहुत कुछ है, द्वारा करो द्वारा करो द्वारा करके बताते हैं, वहाँ है ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे। तो ऐसे ही जब वो नहीं है, वो पांच गिन लेता है, पांच हैं तो सभी पर हैं और उसी में से वो एक को पकड़ के बताता है। तो हमने अपना आत्मा को तो जाना नहीं, और फिर जो भी पदार्थ जगत में हैं उन्हीं में से हमने दो विभाग कर दिए, स्व और पर कर दिए ना, उन्हीं में हमने दो विभाग कर दिए, स्व और पर, और फिर बस एक किसी को मान लिया तो उस पर में अपनापन किया, उसी का नाम है मिथ्या दर्शन। तो इतनी सी गलती हुई है अनादि से बस, ये हमने कोई जीवों को मारा, झूठ बोला, ये चोरी करी, ये कोई गलतियां फलतियां नहीं है, इनसे कोई अनंत काल संसार में रहे ऐसी कोई गलती नहीं है, इनको जबरदस्ती के बड़े पाप मान रखे हैं। अब आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि जिन ननिगोद में है, एक ही जीव को मार नहीं सकता निगोदिया, ना एक इंद्री दो इंद्री वाले हैं, एक भी शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, एक भी नए पैसे की चोरी नहीं करते हैं, कुछ भी असंयम नहीं है, परिग्रह भी कुछ भी नहीं है। अब ये पेड़ खड़ा है, बोलिए इसमें क्या है? अब फिर वो क्यों इतने दुखी है? यदि इसकी वजह से हम दुखी होते हो, निगोद में क्यों है? निगोद में के अनादि से निगोद में है, तो ये पांच पाप तो निगोद में किया ही नहीं उसने, इन पांच पापों का फल निगोद में होता तो निगोद में रहता ही क्यों वो? इन पांच पापों का फल नरक तो हो सकता है, निगोद नहीं। असैनी पंचेंद्रीय तक की जो पर्याय हैं वो इन पांच पापों का फल नहीं है, क्योंकि ये पांच पाप वहां तक देखे ही नहीं जाते हैं। जिसे तुम गुस्सा करना कहते हो, जो कसाएं बोलते हो बाहर से प्रकट होती ना, वैसी कसाएं भी उनको देखने में नहीं आती। वैसे तो निगोद में भी 23 कसाएं होती हैं शास्त्र के हिसाब से, लेकिन वो जिन्हें को हम पाप समझ रहे
और जिन पापों से हम बचने की कोशिश करते हैं और जिन पापों से बचने का उपदेश हमें दिया जाता है, बस सारे मुनि महाराज और सारे पंडित बस इसी में लग रहे हैं, बस खत्म। माने जो बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं है वो हम सब उसमें ही मर रहे हैं। एक आदमी के 1 अरब रुपया बैंक में जमा है, अब समझ लो कि साल के 10 करोड़ रुपया उसके ब्याज में आते हैं। ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ, कितने ही आते होंगे समझ लेना। अब उस पर तो ध्यान नहीं देता, और वही आदमी फिर रिक्शा चलाता है, और आज 10 रुपया कमाई होगी और कल नहीं हुई, उसके लिए रोता है जाता है, और वहाँ इतनी है उसकी पर ध्यान ही नहीं देता कि इतनी जा रही है, करोड़ों अरबों का कर्जा है, और ये दो दो नुकसान, इसको नुकसान मान के रोने बैठता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसी है जी, ये जो 5 पाप जिन्हें आप बोलते हो ये तो ऐसे हैं कि आप इनको रोना लेके बैठ गए। ये ऐसा कहने का अर्थ ही नहीं है कि पापमय प्रवृत्ति अपनी करना, जिनकी ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये समझेंगे, उनकी तो पापमय प्रवृत्ति भूमिका के अनुसार कम होती ही है, होती ही जाती है क्रमशः ऊँचे ऊँचे, वो कोई उपदेश से ही होती हो ऐसी बात नहीं है, और उसका एक पोषण नहीं है, लेकिन उसका फल नहीं है तो स्पष्ट है ना कि आज तक जो सैनी पंचेंद्री पर्याय में आया ही नहीं और अनंत काल बीत गए, ये 5 पाप तो उसने ये कहीं भी नहीं करे। अब इन 5 पापों में से थोड़ा हम कुछ एकाध का थोड़ा बहुत त्याग करके और मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो जाता है। ऐसे किसी ने स्पर्शन इंद्री का विषय छोड़ा है, ब्रह्मचारी ले लिया, मैं 5 साल से ब्रह्मचारी हूँ, 10 साल से ब्रह्मचारी हूँ, कुछ बाल ब्रह्मचारी हो गए। मैंने एक दिन बताया था बाल माने क्या होता है, मैं बार बार नहीं बताना चाहता हूँ क्या है? क्या हो गया है कि जैसा तुम अभी बाल ब्रह्मचारी है वैसा तो अनादि से था असैनी पंचेंद्री तक, थोड़ी हिंसा नहीं हुई, एक दो दिन रोटी नहीं खाई, निगोद में बरसागरों तक नहीं खाई, क्या हो गया उसे? कहने नहीं, वो तो साहब खाने की इच्छा तो थी, 3 लोग को अनाज खा जाता वो तो, क्यों? लेकिन वो नहीं मिला तो स्वर्ग में तो ले गिन लो, क्यों? जो 9वें गृह व्यक्ति जाते हैं ना मिथ्या दृष्टि, 31 सागर तक उनको भोजन का विकल्प नहीं होता, तेरे रोटी नहीं खाने से कुछ धर्म होता होता तो उन्हें होता। अब शास्त्र में आता ना, देव एक इंद्री हुआ है, वही परिवर्तन पूरे करें, लगा लो 5 पापों का, यदि प्रवृत्तियां नहीं है तो वो हम उसी पे बस खत्म। मतलब सवाल अकेला यही नहीं कि हम उपदेश ही दे रहे हैं, हमें उसको थोड़ा सा हो करके 1 मिनट में अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं और 1 मिनट में पापी मान लेते हैं, थोड़े 2 शब्दों से झूठ निकल गए तो पापी मान लेते हैं और सत्य निकल गए तो मैं सत्य हरिश्चंद्र बन गए, और बस वो जा करके वैसे मान लेते हैं। यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये अच्छी बात है, तो इसका निषेध नहीं है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है।